रुक करते हैं लखनऊ का मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी इस वक्त नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। उन्होंने अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा 64वीं नेशनल चैंपियनशिप एवं 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अंकुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से शूटिंग के खिलाड़ी, इन्होंने अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पीयूष शर्मा शामली उत्तर प्रदेश से शूटिंग के खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा जूनियर मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अनमोल अरोड़ा दिल्ली से शूटिंग के खिलाड़ी, इन्होंने अपनी खेल स्पर्धा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अग्रिमा त्रिपाठी वाराणसी उत्तर प्रदेश से वॉलीबॉल की खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा सब जूनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया। आंचल तोमर शामली उत्तर प्रदेश से वॉलीबॉल की खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा 69वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। कुश सिंह मऊ उत्तर प्रदेश से वॉलीबॉल के खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। अतुल सिंह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से वॉलीबॉल के खिलाड़ी, 14वीं एशियन मेंस अंडर 18 चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। तनिष चौधरी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बास्केटबॉल के खिलाड़ी, यूथ नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अर्जित किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। केरल से अन्नासूया सनत जी नाथ बास्केटबॉल की खिलाड़ी, इन्होंने अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। बरखा सोनकर वाराणसी उत्तर प्रदेश से बास्केटबॉल की खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा किया है। दिग्विजय सिंह शेखावत जयपुर राजस्थान से बास्केटबॉल के खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। सहज कुमार पटेल बड़ोदरा गुजरात से, अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। रुचिका सिंह गुरुग्राम हरियाणा से साइकिलिंग की खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा गुवाहाटी अंडर 19 में स्वर्ण पदक अर्जित किया। सैयद बुरहान अली मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, इन्होंने 36वीं नेशनल गेम्स 2022 में रजत पदक प्राप्त किया साइकिलिंग के खिलाड़ी। मंगेश कुमार शंखवार प्रयागराज उत्तर प्रदेश से जिम्नास्टिक के खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा 36वें नेशनल गेम्स में रजत पदक प्राप्त किया। सनी सिंह बलिया उत्तर प्रदेश से जिम्नास्टिक के खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। शुभम सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैंडबॉल के खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में प्रतिभाग किया गया। कमल भिवानी हरियाणा से हैंडबॉल के खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा 43वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। तृप्ति मिश्रा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हॉकी की खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और 11वीं हॉकी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। लोटला मैरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हॉकी की खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लखनऊ में स्वर्ण पदक अर्जित किया। प्रतीक निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश से हॉकी के खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा जूनियर नेशनल हॉकी में स्वर्ण पदक अर्जित किया। चंदन यादव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हॉकी के खिलाड़ी, जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप एवं स्कूल राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक अर्जित किया और खेलो इंडिया में रजत पदक प्राप्त किया। मोहम्मद हारिस प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हॉकी के खिलाड़ी, जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021-22 में स्वर्ण पदक अर्जित किया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक प्राप्त किया। वर्षा तालियान मेरठ उत्तर प्रदेश से कबड्डी की खिलाड़ी, अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा 47वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। अर्चना सोनीपत हरियाणा से कबड्डी की खिलाड़ी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कांस्य पदक अर्जित किया। निवेदिता पटेल वाराणसी उत्तर प्रदेश से कबड्डी की खिलाड़ी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी 2021 में रजत पदक और वर्ष 2020 में कांस्य पदक अर्जित किया।
शुभम कुमार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कबड्डी के खिलाड़ी अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक अर्जित किया। रिया वर्मा हापुड़ उत्तर प्रदेश से स्विमिंग की खिलाड़ी अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया। वंदना साहनी वाराणसी उत्तर प्रदेश से स्विमिंग की खिलाड़ी, इन्होंने अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। शुभम मिश्रा उत्तर प्रदेश स्विमिंग के खिलाड़ी अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऋषिता राय गाजीपुर उत्तर प्रदेश से ताइक्वांडो की खिलाड़ी, ताइक्वांडो खेल में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। मधु सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से ताइक्वांडो की खिलाड़ी, राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2022 में कांस्य पदक अर्जित किया गया है। हर्ष कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। शोभित पांडे देवरिया उत्तर प्रदेश से वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा नेशनल गेम्स में रजत पदक प्राप्त किया। सागर चौधरी रुड़की उत्तराखंड से वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, इन्होंने अपनी खेल विधा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आदित्य सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश से वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी अपनी खेल में अजीत सिंह इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अजीत, हम देख रहे हैं मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी अब आज नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं, आरक्षियों को आज बांट रहे हैं और ये अहम कार्यक्रम चल रहा है। आरक्षियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ये वो आरक्षी है जिन्होंने खेल कोटे से नौकरी प्राप्त की, अलग अलग खेल की विधाओं में इन्होंने सफलता हासिल की है, उस स्पोर्ट कोटे से इन्हें आरक्षी पद पर भर्ती किया गया और इनको नियुक्ति प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जा रहा। साथ में जो खेल मंत्री हैं गिरीश यादव वो मौजूद है, उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जो दुर्गा शंकर मिश्रा है, डीजीपी विजय कुमार है, सभी लोग मौजूद है। और इस पूरे कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि स्पोर्ट कोटे को बढ़ावा देना। थोड़ी देर पहले जब खुद खेल मंत्री संबोधन कर रहे थे तो कह रहे थे कि जिन 233 लोगों को आज आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है तो आप जहां भी रहिए खेल से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि खेल की जो भावना है वो देश की भावनाओं को जागृत करती है, देश को आगे बढ़ाती है। जहां भी आपको नौजवान मिल जाए, यूथ मिल जाए, उनको खेल के बारे में बताइए। तो ये बड़ा कार्यक्रम था लोक भवन में आयोजित किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। 233 ऐसे खिलाड़ी थे जिनका स्पोर्ट कोटे से कुशल खिलाड़ी होने के नाते चयन किया गया था। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड है उसके माध्यम से इन्हें नौकरी दी गई है, उसको लेकर लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में पूरे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। देखिए आप डीजीपी विजय कुमार जो है वो मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं, भगवान श्री राम की जो तस्वीर है, कृष्ण की जो तस्वीर है वो उन्हें दी जा रही है। उनके साथ सरकार के दो बड़े मंत्री, खेल मंत्री और संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री मौजूद है और अलग अलग यूपी से लेकर उत्तराखंड तक अलग अलग जगहों पर खेल के क्षेत्रों में अपना अव्वल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल कोटे से उत्तर प्रदेश की पुलिस में नौकरी दी गई है। उनके जो प्रमाण पत्र है आरक्ष वो दिया गया। आप देखिए सुरेश खन्ना जो है वित्त मंत्री, उनको प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है। तो एक एक करके उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लोक भवन का जो ऑडिटोरियम है उसमें सभी 233 खिलाड़ियों को जो अब पुलिस में भर्ती हो चुके हैं यानी अब पुलिस में आरक्षी हो चुके हैं उनको, उनके लिए पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया और कुछ ही पल में मुख्यमंत्री खुद पूरे कार्यक्रम को संबोधन करेंगे। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है मेन की स्पोर्ट कोटे से 233 जो खिलाड़ी चयनित किए गए उनको ये बताया जा रहा है कि आपको चयनित तो किया गया है, आपको क्राइम और करप्शन पर तो जीरो टॉलरेंस रखना ही है, लेकिन इसके साथ ही आपको खेल की भावनाओं को आगे बढ़ाना है। खेल जो है देश को आगे बढ़ाता है। गांव, इसीलिए देखिए मुख्यमंत्री का पहले था युवक मंगल दल, हर गांव में खेल का मैदान होना चाहिए, हर गांव से खिलाड़ी निकले। हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट, तीन चीजों पर मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान है और चौथी चीज है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी इंडस्ट्री। अब देखिए उत्तर प्रदेश के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी कार्यक्रम को संबोधन कर रहे हैं। अब कुछ ही पल में मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम को संबोधन करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए अब इस कार्यक्रम जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है, जो नियुक्ति प्रमाण पत्र है उसका वितरण किया जाएगा, एक एक करके वितरण किया जा चुका है। कई जो आरक्षी हैं उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, सभी लोग ऑडिटोरियम में बैठे हैं लोक भवन के ऑडिटोरियम में और इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एक छोटी सी फीचर फिल्म भी इसमें इनको दिखाई जाएगी। तो दीपाली, ये जो 233 आरक्षियों की भर्ती हुई है सभी उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट कोटे से और अलग अलग कोटे से, देखिए खिलाड़ियों को भी संबोधन करने का मौका दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अजीत सिंह, ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने।